समाजवादी पार्टी से कथित तौर पर नाराज वरिष्ठ पार्टी नेता और विधायक मोहम्मद आजम खान ने समाजवादी पार्टी छोड़ किसी अन्य दल में शामिल होने की संभावनाओं पर खुलकर बातचीत की। आजम खान ने कहा कि कोई मकूल कश्ती सामने तो आए, अभी तो मेरा जहाज काफी है। खान ने समाजवादी पार्टी से नाराजगी के सवाल पर कहा, मैंने किसी दूसरी कश्ती की तरफ से देखा तक नहीं, सवार होना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अब अंदाजा यह हुआ है कि सलाम दुआ के अलावा अगर चाय नाश्ता भी हो तो उसमें एतराज नहीं होना चाहिए। जब सब चाय नाश्ता करते हैं तो मैं नहीं कर सकता। जब यह अधिकार सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को हासिल है तो वो एक दूसरे से मुलाकात करें, चाय नाश्ता करें, शादी ब्याह और खुशी गम में शामिल हों, तो मैं भी उन्हीं जैसा इंसान हूं। इस सवाल पर कि क्या अब वह किसी और कश्ती की तरफ देखेंगे, आजम खान ने कहा, पहले कोई मकूल कश्ती सामने तो आए, अभी तो मेरा जहाज काफी है। आजम खान ने कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल को समाजवादी पार्टी द्वारा राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाए जाने की अटकलों पर कहा कि अगर सिब्बल को राज्यसभा भेजा जाता है तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। विधानमंडल के मौजूदा सत्र में लगातार दूसरे दिन भी सदन में अनुपस्थित रहने के प्रश्न पर आजम खान ने कहा, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आपने अंदाजा लगाया होगा, मुझे खड़े होने में परेशानी हो रही है। मैं सदन के लिए चुनकर आया हूँ, इसलिए सदन में तो जाऊंगा ही। आजम खान ने इस सवाल पर कि परसों से लखनऊ में हैं, क्या समाजवादी संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने उनका हालचाल लिया, तो उन्होंने कहा, इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में मैं कोई टिप्पणी तो नहीं कर सकता, वह अपनी राय और अपनी मर्जी के खुद मालिक हैं। समाजवादी पार्टी से नाराजगी के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि मैं तो नाराजगी की हैसियत में भी हूँ ही नहीं, एक बीमार और कमजोर आदमी हूँ, सैकड़ों मुकदमे मेरे ऊपर हैं, मेरे रिश्ते में कोई दरार नहीं है। उन्होंने कहा कि क्योंकि मुझे जो प्रोटेक्शन मिला है वो न्यायपालिका से मिला है, इसलिए जो मुझसे जेल में मिलने आए या जो किसी वजह से नहीं आए, मैं दोनों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। शिवपाल सिंह यादव से मुलाकात के बारे में आजम खान ने कहा, उनसे पहले भी मुलाकात होती रही है, आज भी हो रही है और आगे भी होती रहेगी। दूसरे दल के भी लोग यदि मुझसे मिलने आएंगे उनसे मुलाकात करूंगा। अभी तक अपनी जिंदगी में लाइन खींचकर रखी थी, लेकिन अंदाजा हुआ कि दुआ सलाम सभी से रखनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।